फ्रेंड्स, सो यार आज फिर मौसम ख़राब हो रखा है यहाँ पे अगेन से, और काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है रात से, और फिर से नदियों में पानी बढ़ रहा है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यार, और आज मैं अभी यहाँ धर्मशाला में हूँ दाढ़ी में, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या सिचुएशन हो रखी है रोड्स की और नदियों की। फिर से दोबारा काफ़ी लोग जो हैं, बंदे जो हैं, वो डर रहे हैं अपने घरों और दुकानों को और सामान को लेके। तो अभी मैं आपको यहाँ के दिखाता हूँ कि क्या हालत हो रखी है यहाँ पे अभी। देख सकते हो यार कितना ही ज़्यादा पानी फिर से अगेन आ चुका है यहाँ पे नदी नालों में, और कितनी ज़्यादा आवाज़ हो रही है, पानी बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे साइड में काफ़ी नुकसान देख सकते हो आप, कैसे फिर से यहाँ पे नुकसान हो रहा है, और बंदे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं जिनके पहले ही घर वगैरह बह गए थे, तो अभी फिर से वो डर रहे हैं जिनके एकदम पास में हैं घर वगैरह, दुकानें वगैरह। तो दोस्तों अभी हम हैं शिला में, और यहाँ पे पहले भी बड़ा ज़्यादा पानी फ्लड आया था, और आज अगेन फ्लड आ चुका है और पानी फिर से पुलों पे, सड़कों पे आ गया है। तो अभी आपको मैं क्लोज जाके यहाँ पे बताता हूँ कि क्या हालत हो रखी है यहाँ की। आप देख सकते हो यहाँ पे स्कूल में कितना ज़्यादा पानी चढ़ गया है और कितना नुकसान हो रहा है सेकंड लेयर ऑफ फ्लड से, और कितना ज़्यादा पानी अभी आया जा रहा है, बढ़े जा रहा है। अभी बारिश रुक गई है तो शायद थोड़ा
पानी धीरे धीरे कम हो जाए, बट काफ़ी ख़तरा है अभी भी यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी दिखाया है कि आज फिर अगेन फ्लड आया है और काफ़ी ज़्यादा आया है। और अभी तो मानसून सीज़न स्टार्ट ही हुआ है, बरसातें स्टार्ट ही हुई हैं, अभी आगे और भी फ्लड आएंगे। और जिन घरों को ख़तरा है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा खतरे में है और काफ़ी ज़्यादा अभी नुकसान और हो रहा है। तो आप देख ही सकते हो यार, आज तो मैं ऐसे ही धर्मशाला आया था किसी और ही रीज़न से, बट इतनी रात से यहाँ पर कंटिन्यू बारिश हो रही है कि क्या बताऊँ मैं आपको। और कितना फ्लड आ चुका है इस टाइम, अभी मॉर्निंग में ही ये फ्लड आया है। तो मैं आपको यही बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे विज़िट वगैरह करते हो और यहाँ पे रहते हो तो यहाँ से दूर ही रहें, बिकॉज मैं देख रहा हूँ बंदे वगैरह काफ़ी क्लोज आ रहे हैं दरिया के, तो वो ऐसा ना करें, बिकॉज पानी कभी भी कितना भी बढ़ सकता है। और जो घर वगैरह है वो तो ऑलमोस्ट खाली करा दिए हैं और इसको रेड जोन भी अभी तक अलर्ट किया गया है। और बाकी टूरिस्ट वगैरह भी आए तो वो भी पानी वाली जगहों से दूर रहें, और पहाड़ों से भी थोड़ा ट्रैकिंग वगैरह भी अभी यहाँ पे बंद है टोटली, तो वहाँ से भी दूर रहें। और बाकी मार्केट वगैरह में घूमें और अनदर प्लेस में घूमें। तो अभी के लिए मैं लेता हूँ आपसे विदा, फिर जल्दी आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।